जय हिंद। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं प्रियांशु तिवारी स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी सीतापुर एकेडमी में। साथियों, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। बड़े भाई सौर्य अवस्थी सीआईएसएफ में चयनित। बताओ आदर्श शुक्ला यूपीएसआई। योगेंद्र यादव बीएसएफ। ऋषभ मिश्रा भारतीय सेना में चयनित। अभिषेक भारतीय सेना में चयनित। विपिन तिवारी भारतीय सेना में चयनित। सचिन सिंह भारतीय सेना में चयनित। बड़े भाई सौर्य अवस्थी आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले अपने भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे बताना बस इतना ही है कि हमारे अब ये तो हमें बड़े भाई कहते हैं, हम उनको सर कहें या बड़े भाई छोटे भाई कहें तो कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। स्पेशली मैंने बहुत कुछ किया है और मेरा जो अभी चयन हुआ है वो एसएससी में सीआईएसएफ में हुआ, उनके उसके पीछे इनका सबसे बड़ा रोल मान सकते हैं। क्योंकि जब हमारा फिजिकल होने वाला था हम छोड़ रहे थे उस फिजिकल को, जाने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारा फिजिकल बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ना ही मैंने किया था। और 7 दिनों के अंदर इन्होंने मुझे बुला करके मेरी तैयारी करवाई। मेरे छोटे भाई हैं अब, हालांकि काम तो उन्होंने बड़े भाइयों वाला किया है लेकिन हैं छोटे भाई तो कहना पड़ता है। सीतापुर एकेडमी एक बहुत बड़ी एकेडमी है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से चयनित हुए हैं इस बार भी, और बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं हमारे छोटे भाई प्रियांशु भैया। इनके सानिध्य में जो भी आता है मैंने तो नहीं देखा कोई असफल हुआ है। जो इस बार रुके हैं 2-4 लोग तो उनका भी आगे चयन हो ही जाता है निश्चित है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये मेहनत करते हैं। हम लोगों से ज्यादा तो मेहनत इनकी रहती थी हमें दौड़ाना, हम नहीं उठते तो हमें फोन आता था कि उठ जाओ आ जाओ, हम पहुंचते थे। ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, बाकी सभी बच्चों के साथ शायद ऐसा ही करते हैं। आइए भैया हम आपके लिए आ गए हैं, तब सब लड़के पहुंचते थे और हमें काफी तैयारी करवाई सुबह शाम, बाकी सारी भी व्यवस्थाएं इन्हीं की खुद की रही। उसके लिए अब मैं क्या क्या बताऊं, उन्होंने जो जो किया है उन्होंने बहुत बड़ा किया है। आप सब लोग आए सीतापुर एकेडमी ज्वाइन करें और प्रियांशु तिवारी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े और निश्चित ही सफलता मिलेगी तो तय है, इस बार नहीं तो अगली बार। बड़े भाई आदर्श शुक्ला जी यूपीएसआई। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श शुक्ला सीतापुर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारे सर प्रियांशु सर मार्च में हम सर से जुड़े और मार्च तक हम पहले तैयारी करते थे लेकिन हमारी रेस तैयार नहीं हो पा रही थी, तो हम मार्च में सर से जुड़े, सर की एकेडमी में आए। सर ने बताया कि हम आपकी 1 महीने के अंदर रेस तैयार कर देंगे। मैं यूपीएसआई में चयनित हूँ। आदर्श शुक्ला 36 मिनट में हम रेस निकाल पा रहे थे, उसके बाद जब सर के पास आए तो सर ने 1 महीने के अंदर हमारी रेस तैयार कराई और हम 24 मिनट में यूपीएसआई में रेस क्वालिफाई कर पाए, जिससे कि हम अपना चयन सुनिश्चित कर पाए। तो हम सभी प्यारे भाइयों से कहना चाहते हैं, भाई बहनों से, कि फिजिकल के लिए आप सीतापुर अकेडमी में आए और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और हम ये भी चाहते हैं कि अभी आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं फिजिकल के लिए, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें भी फिजिकल होना है, उसके बाद फिर एसएससी जीडी का होना है, फिर यूपीएसआई यूपीपी और आरपीएफ एसआई आरपीएफ, जितने भी वर्दी, अगर हम ये मानते हैं कि वर्दी अगर आपको पानी है तो फिजिकल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम आप सभी भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि हमारे सीतापुर अकेडमी में आप आइए और अपनी फिजिकल को फिट करिए, फिजिकल से डरिए नहीं। और आप सारे फॉर्म फिजिकल से जो रिलेटेड हैं आर्मी या सेना में या फिजिकल एसएससी जीडी है, सभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे और इजीली आप पास कर पाएंगे। निश्चित ही प्रियांशु सर हमारे काफी मेहनती सर हैं और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं ये सभी इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन सर की एकेडमी में जुड़ने के बाद जितनी तत्परता से सर ने मेहनत करके सबकी सफलता दिलाई है उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वर्दी है संकल्प तो सीतापुर एकेडमी ही है विकल्प।
योगेंद्र यादव बीएसएफ। जय हिंद भाइयों। जय हिंद। सबसे पहले तो हम सीतापुर एकेडमी और प्रांशु सर का धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से हम बीएसएफ में फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं। यह एक ऐसी एकेडमी है जो सबसे कम समय पर बहुत ही ज्यादा तरक्की हासिल की है केवल और केवल प्रांशु सर की मेहनत की वजह से। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी लोग अपना फिजिकल तैयार करना चाहता है तो सीतापुर एकेडमी ही सबसे बेस्ट है। अतः ज्यादा से ज्यादा लोग आए और यहाँ पर ज्वाइन करें अपने अच्छे भविष्य के लिए। ऋषभ मिश्रा भारतीय सेना में चयनित। जय हिंद साथियों। जय हिंद। मेरा चयन भारतीय सेना में हुआ है। मैंने सीतापुर अकेडमी से फिजिकल की तैयारी की। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ या आग्रह करता हूँ कि अगर फिजिकल की तैयारी करनी है तो सीतापुर अकेडमी ज्वाइन करें अपने भविष्य के लिए। जय हिंद। जय हिंद। अभिषेक जो कि भारतीय सेना में चयनित है। अभिषेक। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रांशु सर जी के वजह से हूँ। मैंने यहाँ सीतापुर अकेडमी में एक महीना फिजिकल की तैयारी की और मैं अपने प्रांशु सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी का सपना है, फौज में जाने की तैयारी करते हैं तो सीतापुर अकेडमी आइए और ज्वाइन करिए और आप जरूर कामयाब होंगे उसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन तिवारी इनका भारतीय सेना में चयन हुआ है। जय हिंद। वंदे मातरम। मेरा नाम विपिन कुमार तिवारी है जो भारतीय सेना में मेरा चयन हुआ है। सीतापुर अकेडमी से मैंने फिजिकल की तैयारी की थी उसी के मार्गदर्शन से मेरा चयन हुआ। जय हिंद। अगर आप लोग भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं सीतापुर अकेडमी। साथियों हमारे यहाँ फिजिकल की 100% गारंटी ली जाती है। जय हिंद। जय हिंद।